अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां नेशनल हॉस्पिटल में दूरबीन के माध्यम से जटिल ऑपरेशन कर मरीज को राहत दी गई। आपको बता दें कि उक्त हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रहा है। इसमें सीनियर डॉक्टर अखिलेश पटेल एवं डॉक्टर आनंद गुप्ता एवं उनकी समस्त टीम ने मिलकर हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर की बीमारी का रीवा में पहली बार दूरबीन पद्धति के द्वारा ऑपरेशन किया, जिसमें गठान को पूरी तरीके से लीवर से निकाल दिया गया। इस पे विशेष अत्याधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल भी किया गया। इसमें केवल पेट पर चार ही छिद्र बनाए गए और उन छिद्रों से ही पूरी गठान निकाली गई। मरीज पूरी तरीके से ऑपरेशन के बाद स्वस्थ है। इस पर अस्पताल संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने एनेस्थीसिया टीम, ऑपरेशन थिएटर टीम एवं अन्य स्टाफ को बहुत बधाइयां दी तथा यह बताया कि भविष्य में ऐसे एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती रहेंगी। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। पिछले दिनों हमने नेशनल अस्पताल रीवा में एक लीवर की गठान, जिसमें एक यंग एडल्ट था, उसको लीवर में दो बड़ी बड़ी गठाने थी, जिसको सामान्य भाषा में हाइड्रेटेड लीवर डिसीज बोला जाता है। इसका हमने अपने अस्पताल में, अपने विंध्य क्षेत्र में पहली बार दूरबीन पद्धति के द्वारा इसका ऑपरेशन किया। इसमें हमने मरीज के पेट में केवल चार छेद बनाए और उन छिद्रों की मदद से और मशीनों की मदद से हमने वो दोनों ही लीवर की बड़ी गठान को निकाला। सामान्यतः यह बीमारी का इलाज बड़े महानगरों में हुआ करता था, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पर इस पद्धति को आज हम रीवा में लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी ही एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे अस्पताल में होती रहेगी। इसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का विशेष योगदान रहता है, जिसपे मैं अपने एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, ओटी टेक्नीशियन एवं समस्त नर्सिंग स्टाफ को बधाई देता हूं। साथ में हमारे सर्जन डॉक्टर आनंद गुप्ता सर, जिन्होंने इस सर्जरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, योगदान एवं मार्गदर्शन दिया, उनको भी मैं नेशनल अस्पताल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।